नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सचक कौन था। किसी भी इंसान को कितना भी ज्ञान हो, उसे किसी भी इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए या फिर खुद पर अत्यधिक घमंड भी नहीं करना चाहिए। आप जब किसी सामने वाले के बारे में नहीं जानते तो उसे कमजोर समझने की गलती भी ना करें। क्या पता सामने वाला आपसे भी अत्यधिक ज्ञानी हो और उसके सामने आपका घमंड धरा के धरा रह जाए। ऐसे ही एक घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बार वैशाली में गौतम बुद्ध को सचक नाम के जैन विद्वान से मुलाकात हुई। उसके माता पिता 1000 विद्याओं से पारंगत थे। ऐसे महान माता पिता की संतान सचक शास्त्रार्थ में बहुत तेज था। वह लच्छवियों का गुरु था। उसने एक बार गौतम बुद्ध को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने के लिए सोची। उसने कहा कि मेरे साथ शास्त्रों में आदमी तो क्या, देवता भी कांपने लगते हैं, उनकी कांख से पसीना टपकने लगता है। अगर मैं गौतम बुद्ध को ऐसा ना कर दूं तो मेरा नाम सचक नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।